आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और मैं हूं आपके साथ प्राची पांडे। सीधी जिले में नशे का शौक पूरा करने के लिए एक पिता द्वारा दो पुत्रों पर प्राण घातक हमला किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। घटना के दौरान एक बेटे की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दूसरा घायल हुआ है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है जबकि घायल बेटे को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शराब पीने के लिए पैसे नहीं देने पर पिता ने रापी से दोनों पुत्रों पर हमला किया है। बताया गया कि घटना रविवार की शाम लगभग 5 बजे की है। सीधे शहर के दक्षिण करौदिया निवासी संजय साकेत पिता रामस्वरूप साकेत शहर में ही मोचीगिरी का काम करता था। इस काम में पिता सहित सभी भाई भी लगे रहते थे। सीधे शहर के सोनांचल बस स्टैंड में इनकी दुकान थी। बताया गया कि घटना दिवस को संजय का पिता दोपहर से ही शराब का सेवन कर रहा था। रुपए कम होने पर संजय से पैसे मांगे तो उसने देने से इनकार कर दिया। पिता को इस बात पर इतना गुस्सा आया कि वह संजय से गाली गलौज करने लगा और लोहे की रापी लेकर पुत्र पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल संजय ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। इस बीच दूसरा पुत्र बीच बचाव करने आया तो उस पर भी रापी से हमला कर दिया जिसे घायल अवस्था में जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना प्रभारी हितेंद्र नाथ शर्मा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और हत्या का मामला पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जबकि बेटे के शव को पीएम के लिए जिला चिकित्सालय में रख दिया गया है। उनमें पिता और पुत्र के बीच में विवाद हो गया है और मारपीट हुई है। इस सूचना पे तत्काल पुलिस मौके पे पहुंची। मौके पे पहुंचने में पाया गया कि जो मृतक संजय है उसके गर्दन सीने आदि में चोट लगी हुई थी, काफ़ी गंभीर घाव लगे थे और लोगों ने बताया कि इसके पिता जो सामने ही आसपास ही था उसके द्वारा विवाद किसी से किया जा रहा था तो मृतक और उसके भाई रंजन ने मना किया कि संभ्रांत लोग हैं, आप ऐसा बात मत करिए। तो पिता इसी से आक्रोशित होकर के उत्तेजित होकर अपने बच्चे संजय और रंजन के ऊपर रापी से हमला किया जिससे संजय को काफ़ी चोटें आईं और लगभग मौके पर ही बेहोश अवस्था में पड़ा हुआ था जिसे तत्काल इलाज के लिए हॉस्पिटल लाया गया है। मृतक के पिता यानी जो आरोपी है प्रकरण का राम स्वार्थ साकेत उसको पुनः अभिरक्षा में लेकर के यहाँ इलाज कराया जा रहा है। उसके भी सिर में चोट है। जो उसका भाई है मृतक का रज्जन उसके भी कलाई में चोट है, उसका भी इलाज कराया जा रहा है। घरेलू विवाद है और भी विवेचना की जा रही है कि और क्या कारण हो सकता है लेकिन प्रथम दृष्टया सडन प्रोवोकेशन ही पाया गया है, अचानक ही विवाद हुआ है और पूर्व से ऐसी कोई रंजिश नहीं पाई गई है, विवेचना की जा रही है।